तो पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बताएं कि चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन उनके किए जा सकते हैं, भटिंडा में उनका अंतिम संस्कार होगा। राजनीतिक जगत में शोक की लहर लगातार देखी जा रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इसे एक पर्सनल लॉस करार दिया है। कई बड़े नेताओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि प्रकाश सिंह बादल को दी है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने इस हर दिल अजीज लीडर को अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे। सबसे अहम ये कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे अपने लिए एक जाती नुकसान, पर्सनल लॉस उन्होंने इसको करार दिया। और ट्वीट जो उन्होंने कल किया उसमें बेहद भावुक अंदाज में पीएम का ये ट्वीट था। और आपको ये भी बताएं कि पीएम खुद श्रद्धांजलि देने के लिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मनोज राठी। मनोज, बेहद दुख की ये खबर है, एक युग का अंत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो अहम नेता हैं इसको एक पर्सनल लॉस करार दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल का पूरा एक राजनीतिक पूरा सफर था, कई साल वो मुख्यमंत्री रहे और एमएलए रहे, और उनका जिस तरह से उनका पंजाब के साथ साथ और भी कई, आज प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, करीब 12 बजे वो यहां पर पहुंचेंगे पार्टी ऑफिस में, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए प्रकाश सिंह बादल को रखा जाएगा। थोड़ी देर में 45 हॉस्पिटल से उनको पार्टी ऑफिस लाया जाएगा और उस थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि इनके उनका जो अपना लगाव था, बल्कि खुद जो दूसरी पार्टी थी यानी कि जो अपोजिशन पार्टी थी, वो भी उनकी तारीफ करते नहीं सकती थी। बहुत बड़ी बात होती है कि अपोजिशन पार्टी थी उनकी तारीफें करती थी, उनके काम की जो है वो इतनी बोलती थी, तो बहुत सारी चीजों को लेकर जो है वो देखा गया है। और जब से कल से ये खबर आई और उसके बाद शोक की लहर कह सकते हैं कि हर जगह, कोई भी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, हर किसी में शोक की लहर थी। और वहां पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करने की कोशिश की जा रही थी और आज पार्टी ऑफिस में भी करीब 2 घंटे जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए वो रखा जाएगा। और अभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ कई पॉलिटिकल जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा उनके प्रत्येक गांव बादल उनको लेके जाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार उनके प्रत्येक गांव में ही किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, प्रकाश सिंह बादल एक ऐसा नाम जिसने पंजाब को सबसे मुश्किल दौर में भी निकाला था, एक ऐसा नाम जिससे हर सियासतदान कुछ ना कुछ सीख सकता है। आपको याद होगा शुरू से अगर पंजाब का नाम आता था तो प्रकाश सिंह बादल का नाम जरूर आता था। और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र भी पीएम ने खुद किया है। उन्होंने ये तक लिखा है कि मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, बहुत कुछ उनसे साझा किया है। कहीं ना कहीं एक ऐसी ये ऐसा नुकसान है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि बिल्कुल इसकी इसको पूरा नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि अकाली दल के वो सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी जो सीनियर लीडर हैं वो उनकी तारीफ जो है वो करते नहीं थकते। क्योंकि अभी हम पार्टी ऑफिस में ही मौजूद हैं, जो लीडर्स या फिर जिन्होंने काम उनके साथ किया है, जो सीनियर ऑफिसर्स ने काम किया है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने प्रकाश सिंह बादल पर किताब लिखी है, सरदार प्रकाश सिंह बादल पर किताब लिखी है उनके दिनचर्या के बारे में। और उन्होंने बताया, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका दिनचर्या था। सुबह किसी को भी किसी भी अफसर से मीटिंग करना और पूरा एक दिनचर्या जो है वो बनाना, उसके बाद दूसरी अपने ऑफिस में जाकर मीटिंग करना, उसके बाद पूरे पंजाब में क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, किन किन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत सारी तमाम चीजें को लेकर एक पूरा दिन, जैसे कहते हैं कि एक पूरा एनर्जेटिक तरीके से जो है वो काम किया जाता था। और यही कारण है कि
हर दिल जो है वो उनको अच्छी तरह से चाहता है और आज भी सभी के दिलों में सिद्धार्थ प्रकाश सिंह बादल जो है वो मौजूद हैं। और बिल्कुल आज जो देख रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि काफी जो भीड़ है, काफी जो मॉब है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहा है, लोग यहाँ पर दूर दूर से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक एक चीज को लेकर जो है यहाँ पर लोगों में इतना दुख है, इतना जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर आके एक बड़ी बुजुर्ग लोग हैं कैसे यहाँ पर पहुंच रहे हैं सिर्फ उनके अंतिम दर्शन को लेकर। तो ये प्यार है, एक एक अपना अपनापन जो है वो कह सकते हैं कि जैसे प्रकाश सिंह बादल ने अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में लोगों के लिए काम किया, पंजाब की बेहतरी के लिए काम किए, डेवलपमेंट्स के लिए काम किए, तो यही एक नतीजा है कि लोगों के दिलों में कितना उनके प्रति प्यार है, कितना उनके प्रति जो है वो प्यार जो है वो मना हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, और इसीलिए उन्हें पंजाब की सियासत के पितामह भी कहा जाता था, और 66 साल का जो उनका एक्सपीरियंस था सियासी दुनिया में वो कम नहीं होता है, खासतौर पर आज के जो सियासतदान हैं उन्हें सीखने की जरूरत है। ये लाइव तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं पार्थिव शरीर की। मनोज राठी, आज का हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आज जो रहने वाला है उसके ताल्लुक से थोड़ी सी जानकारी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दे दीजिए। फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका जो परिवार है, सुखबीर बादल, उनके बेटे और जितना भी पूरा बादल परिवार है वो इस टाइम फोर्टिस हॉस्पिटल में ही मौजूद है, और थोड़ी देर में मॉर्चरी से उनकी बॉडी को लाकर पार्टी ऑफिस में रखा जाएगा, वहां पे अंतिम दर्शन के लिए उनकी बॉडी को रखा जाएगा। और उसके बाद करीब 12-1 बजे के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनके बाद सीधा उनके पंजाब में बादल गांव है वहां पर भी पूरे अरेंजमेंट जो है वो किए जा चुके हैं, वहां पर उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और उसके बाद कल अंतिम संस्कार जो करने की बात कही जा रही है, क्योंकि काफी दूर दूर से उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो करीबी है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने भी पहुंचना है, तो इसीलिए उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल किया जाएगा, जो अभी तक जानकारी है। और इसके अलावा जो आज का जिस तरह से पार्टी ऑफिस में अंतिम दर्शन का रखा गया है उसको लेकर भी तैयारियां पुलिस की भी पूरी पुख्ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी जो है वो दिया है, क्योंकि तीन दफ्तरों से भी हमारी बातचीत हुई है। उनका भी कहना है कि पूरा जो है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी डाइवर्ट की गई है पार्टी ऑफिस के साथ साथ, किसी भी तरह का कोई जाम ना लगे, किसी भी तरह से कोई ज्यादा जो है वो ट्रैफिक जाम ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि लोग पहुंचना सुबह से ही शुरू हो चुके हैं और इसीलिए तैयारियां जो है वो की जा चुकी है, क्योंकि अभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन जो आई है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं, डिजिटली और भी उनके साथ लेकर पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए और भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं। बिल्कुल मनोज, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है और अब उनके अंतिम दर्शनों के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, खुद पीएम भी उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहेंगे, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथी मनोज राठी लगातार इस अहम खबर पर बने हुए थे।